गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आज अहमदनगर के यहाँ का डे टू है और आज हम लोग जिस लॉन्च में रुके हुए हैं वो इस प्रकार है। 500 रुपीज़ पर डे का है ये जो है, ये रूम है। उतना कुछ खास रूम नहीं है, हम लोग तीन लोग यहाँ पर इस रूम में रुके हुए हैं और 500 रुपीज़ में तीनों लोग। और खाना यहाँ पे अच्छा मिला हम लोग को, वेज रेस्टोरेंट है नीचे, वहाँ पे हमें वहाँ पर हम लोगों ने वेज खाना खाया। और यहाँ का जो व्यू है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ इंडस्ट्रीज़ है उसके वजह से, वो जो सामने है वहाँ पर और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है। और ये अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है अहमदनगर से, और ये जो एरिया है इसको शेवगांव बोलते हैं। अभी यहाँ से जो एक पैठन करके एक तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाने का प्लान है। पैठन जो स्पेशली एसोसिएटेड है जो महाराष्ट्र के स्पेशल सेंट है, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, संत एकनाथ हो गए और संत मुक्ताबाई हो गई और गागा भट्ट हो गए, तो ये सारे जो सेंट है इनसे एसोसिएटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो संत एकनाथ महाराज है उनकी वहाँ पर समाधि भी है, तो आज वहीं पर जाने वाले हैं और वो पैठन जो एरिया है वहाँ पर जाएंगे। और उसके पहले एक डैम लगता है जायकवाड़ी डैम करके, और वो डैम के बारे में सुना था कि काफ़ी बड़ा डैम है, तो जाते समय वो डैम को भी देखेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे पैठन की तरफ। तो ये दो तीन चीज़ें आज यहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए चल जाओ। अभी हम निकल चुके हैं मल्लिकार्जुन टेंपल की तरफ, और यही रोड सीधे जाता है जायकवाड़ी डैम की तरफ और उसके आगे जो पैठन है वहाँ पर। तो पहले हम लोग जाएंगे जो मल्लिकार्जुन टेंपल है, जो जैसे मैंने कहा कि 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ पर पहले जाएंगे, वहाँ पर शिवा के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे जायकवाड़ी डैम और उसके बाद पैठन की तरफ। अभी ये हम लोग पहुंच चुके हैं जो मल्लिकार्जुन टेंपल है लॉर्ड शिवा का, वहां पर पहुंच चुके हैं और जो स्थित है गौठन गांव है वहाँ पर। और मल्लिका अर्जुन जो टेंपल है वो जैसे मैंने कहा कि शेवगांव से अप्रॉक्स 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर आपको आने के लिए काफ़ी सारे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको मिलेंगे। स्पेशली जो एसटी बसेस है गवर्नमेंट की वो आपको कंटिन्यू मिलेगी शेवगांव से पैठन की तरफ। और ये ऑलमोस्ट अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इस टेंपल के बारे में अगर देखा जाए तो ये 13th-14th सेंचुरी का टेंपल है, और इसको बाद में काफ़ी बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया पेशवों के टाइम पे। तो ये ओल्ड टेंपल जो हमारे पास है, हमारे इंडिया में जितने सारे ओल्ड टेंपल्स है
उन्हीं में से ये भी एक ओल्ड टेम्पल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा हमें आने के बाद। और यहाँ पर हम लोग नीचे जा रहे हैं, जो नीचे जो लॉर्ड शिवा है उनकी ये एक पिंड रखी हुई है। और ये आप देख सकते हो कि ये ज़मीनी से नीचे, मतलब ये जो टेंपल बनाया गया है ज़मीनी से नीचे खोद कर नीचे काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके पूरा स्टोन को कट करके ये टेंपल बनाया गया है। और अंदर आने के बाद हमें काफ़ी ऐसा ठंडा लग रहा था क्योंकि ये पूरा स्टोन आजू बाजू में स्टोन है, तो इसलिए हमें अंदर काफ़ी ठंडा लग रहा था इस टेंपल में। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये सारे जो स्टोन है उसको कट किया है अच्छे तरीके से, और उसके अंदर अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि वो टाइम पे, जो टाइम पे लोगों के पास, अभी हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है और इतने सारे चीज़ें हैं जिससे हम लोग कोई भी चीज़ कट विट करके अच्छे से बना सकते हैं, बट वो टाइम पे, मतलब आज के 700-800 साल पहले लोगों ने ये कट करके इतना अच्छे से उसमें कह सकते हैं कि नक्शी काम जो इसके अंदर किया है इतने बारीकी से किया है कि वो एक, आप कह सकते हो कि एक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नमूना है। और इससे ये भी पता चलता है कि वो टाइम पे हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कुशल कारीगर थे। काफ़ी पीसफुल जगह है, यहाँ पर हम लोग आए तो हमें यहाँ पर उतना क्राउड भी नहीं दिखा, उतना क्या हमें ज़रा भी क्राउड नहीं दिखा यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उतना पॉपुलर नहीं है और इसलिए यहाँ पर रेगुलर जो पब्लिक है, मतलब जैसे कहीं और टेंपल में हमें रेगुलर पब्लिक काफ़ी दिखती है, उस तरीके से यहाँ पे नहीं थी।